पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के इशारे पर दुबई में बैठकर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रचने वाले शमसूद होदा को नेपाल की राजधानी काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी, रॉ और एनआईए की टीमें पहले से ही नेपाल में मौजूद थी। नेपाल और भारतीय जांच एजेंसियों के दबाव में ही उसे दुबई से काठमांडू रिपोर्ट किया गया है। भारतीय एजेंसी को कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले हैं। कानपुर हादसे में लगभग 150 लोगों की जान गई थी। नेपाल से गिरफ्तार ब्रिज किशोर गिरी के फोन से एक ऑडियो क्लिप मिला था जिसमें कानपुर रेल हादसे की साजिश की पूरी बातचीत है। नेपाल पुलिस ने एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों को ऑडियो क्लिप सौंप दी है। एनआईए ने हाल ही में 3 एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार शमसूल हुदा अभी नेपाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो कानपुर ट्रेन हादसे का साजिशकर्ता जो है वो अब गिरफ्तार हो चुका है। कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत पुलिस को मिले थे। तो कानपुर हादसा आपको याद होगा, लगभग 150 लोगों की जान गई थी। फोन से दरअसल एक ऑडियो क्लिप जो था उससे पूरा इस मामले का सुराग मिला था कि इस साजिश के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। इस ऑडियो क्लिप में कानपुर रेल हादसे की साजिश की पूरी बातचीत थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की टीमें पहले से ही नेपाल में मौजूद थी और नेपाल में ही इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। तो दो तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस रेल हादसे की आप देखिए जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया था। 150 लोगों की जान चली गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर में आप आईएसआई एजेंट शमसुल होदा को देख सकते हैं जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है शमसुल होदा। ये नेपाल का रहने वाला है। शमसुल होदा नेपाल के लुम्बिनी का रहने वाला है ये होदा। और होदा नेपाली और हिंदी दोनों भाषाएं जानता है। दोनों भाषाओं में अच्छे से बातचीत कर सकता है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा है। बड़े शहर और रेलगाड़ियों को निशाना बनाने का ये साजिश करता है। दुबई में रहकर साजिश रच रहा था शमसुल होदा। तो दुबई से ही अपने आपको बताने की नापाक इरादों को ये कामयाब कर रहा था शमसुल होदा। नेपाल से चुनाव भी लड़ चुका है। नेपाल में एक रेडियो चैनल भी चलाता है शमसुल होदा। नेपाल बिहार बॉर्डर के अपराधियों को होदा ने ये काम सौंपा हुआ था। बिहार की जेलों में बंद कई शातिर बदमाशों को भी इसने अपने इस नकाब मंसूबे में शामिल किया था। इन्हीं लोगों को शमसुल होदा ने ट्रेनों को उड़ाने का काम सौंपा था। तो कौन है शमसुल होदा ये आपको हमने बताया अभी तक कि आखिर ये कैसे काम करता था। आईएसआई के इशारे पर आपको बता दें कि ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। कानपुर ट्रेन हादसे का साजिश करता जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। दो तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कानपुर ट्रेन हादसे की जिसमें इसने अहम भूमिका निभाई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वही आईएसआई एजेंट है शमसुल होदा जिसने इस नापाक साजिश को अंजाम दिया। तो कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे। इस हादसे में लगभग 150 लोगों की जान गई थी और अब इसका जो अहम साजिश करता है वो पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। दुबई से काठमांडू डिपोर्ट किया गया है शमसुल होदा। तो कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ था कि इस पूरी साजिश के तार जो थे वो कहां कहां से जुड़े हुए थे। तो भारतीय खुफिया एजेंसी की टीमें पहले से ही इसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल में मौजूद थी। तो कानपुर ट्रेन हादसे का साजिशकर्ता अब गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें कानपुर रेल हादसे की साजिश की पूरी बातचीत थी। इसके और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे आलोक वर्मा का जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से गिरफ्तारी मुमकिन हुई है इसे आप कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं नीता, कल भी रात को दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर बक्सर के पास ट्रेन को उड़ाने की साजिश की गई है। इन सभी साजिशों में से इसके पहले मोतिहारी और कानपुर के अलावा कानपुर में दो एक्सीडेंट, काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जो जिसमें माना जा रहा है किसी शमसुल होदा का हाथ था। इसके अलावा इसके जो और लोग थे पिछले दिनों मोतिहारी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था और एनआईए ने उनको रिमांड में लिया है तीन एक्यूज को। तो ये गिरफ्तारी जहां तक कामयाबी की बात है एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं क्योंकि शमसुल होदा की गिरफ्तारी और उसके बाद अब ये देखना ये होगा कि नेपाल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं लीगल वाले। उसके बाद अगर उसको हम यहाँ ले आ पाते हैं तो देश में ट्रेन एक्सीडेंट्स के जो एक नया मॉड्यूल टेररिस्ट फ्रंट पे शुरू किया गया था उसकी उसको नेस्तनाबूद करने में काफी मदद मिलेगी। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा जी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो साफ साफ कह रहे हैं कि एक कामयाबी की तरफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है।